विरहा ही बाद में पीड़ित राजकुमार की कई तहरीर कोतवाली देहात में अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। विराही बाद में पीड़ित राजकुमार की कई तहरीर कोतवाली देहात में अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। थाना कोतवाली दरोगा बड़ा गांव चौकी इंचार्ज जो है वह प्रार्थी को बता रहे हैं कि फर्जी कैसे बनाया जा रहा है, जबकि विपक्षी मिश्री लाल ने प्रार्थी राजकुमार को चाकू से घायल किया। कई बार प्रार्थी ने कई जगह अपनी IGRSV एप्लीकेशन व कप्तान कहीं भी प्रार्थी की सुनवाई नहीं हो रही, क्योंकि चौकी इंचार्ज बड़ा गांव इतना मोटा रुपया ले चुके हैं, अभी तक कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। उनका सीधा सा फंडा है कि हमको पैसे दोगे तो काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। वहीं प्रार्थी को विपक्षी मिश्री लाल जान से मार देने पर आमद हुआ है। कहता है पुलिस हमारी जेब में है, जो करना है करो, हम तुमको जान से मार डालेंगे। दरोगा साहब मोटी रकम वसूलने के चक्कर में लगे हुए हैं। कुछ समय पहले 1 लाख की डिमांड प्रार्थी के साथ की थी, जो कि देने में असमर्थ हुए। उसे पर राजमाल चौकी इंचार्ज बड़ा गांव ने फर्जी मिश्री लाल बाग ग्राम प्रधान संदीप कुमार के कहने पर 354 का मुकदमा लिखा था। इससे पहले एक और घटना हुई जिसमें चौकी इंचार्ज ने 1 लाख कोतवाल राजेश कुमार एवं ब्रजेश यादव ड्राइवर कांस्टेबल नरेंद्र कुमार ने मिलकर के 1 लाख लिया था तो उसको छोड़ दिया गया था, जबकि यह पार्टी पैसे देने में असमर्थ है, इसलिए इसको 354 प्रार्थी पर लगाकर मुकदमा झेलना पड़ा। जो भी जानलेवा हमला हो रहे हैं, कोई अभी तक उचित कार्रवाई नहीं की जा रही है।